बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर के करेले लग रहे हैं मम्मी के यहाँ पेड़ में, मतलब बेल में, कैसे बोल रही हूँ, कलर में कैसे है बिल्कुल लाइट, बिल्कुल ग्रीन, वैसा पैरेट ग्रीन नहीं होता ऐसा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मम्मी के यहाँ टमाटर भी लग रहे थे अभी एक दो दिन, मम्मी ने मेरे को फोटो भेजी थी वो है, और टाइम अभी 5:30 बज रहे होंगे, यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ और कूलर चल रहा है तो आपको कूलर की आवाज़ आ रही होगी, और मेरी ये ना आँख में इंजरी जो हो रही है ना इसमें अब दर्द होने लग गया है, कल तक तो ठीक था अभी दर्द जैसा होने लग गया है, शायद गर्मी से हो रहा है। और अभी मैंने भी एक ब्लॉग अभी ख़त्म करा रही, सेकंड में दूसरा स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने कहा चलो इसको सेपरेट ही रखते हैं, अलग से स्टार्ट करते हैं, और आप अगर धूप देखोगे कितनी धूप आ रही है। तो चाय हमने पी ली है और उसके बाद यहाँ पे मम्मी जो है ना आज कहीं गई हैं, तो मम्मी चाय पी के चले गई थी मम्मी, और यहाँ पे अभी सोफ़े वगैरह ऐसे ही हो रहे थे तो इनको मैं ठीक कर रही हूँ। और आशी और सिया तो है इतना नहीं बैठते यहाँ पे क्योंकि मैं उनको मना करती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी ना ये इस टाइप का कवर ज़रूर चढ़ा के रखती है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत धूल मिट्टी आता है मम्मी के घर के अंदर, फिर मम्मी को इनको साफ़ करने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन जब भी जैसे हम लोग आए तो कोई नहीं, लेकिन जैसे कोई मेहमान आता है तो मम्मी इसको हटा देती है अगर मम्मी को पता है कि कोई आने वाला है तो, लेकिन फिर भी वैसे भी ये ठीक लगते हैं। और चीज़ ले रही है इतना पैसे लगा के तो होता है कि चलो उसको थोड़ा ठीक ही रखें, तो वो मैंने लगा दिए हैं पापा कूलर के सामने, ऐसे दिन में लेटते हैं तो वो पापा ने जो एक बिछाने वाला होता है ना उसमें वो वहीं पर था, तो उसको मैंने हटा दिया है, दरवाज़ा खोल दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा से गर्म हो रहा था, थोड़ा सा जो हवा है ना मतलब अंदर भी आएगी, तो इस वजह से मैंने दरवाज़ा खोल दिया। और पापा यहाँ प्लांट्स को पानी दे रहे हैं क्योंकि शाम को पानी, मतलब पानी तो यहाँ बहुत आता है लेकिन यह है कि शाम को ही पानी दिया जाता है या फिर सुबह, तो पापा प्लांट्स को पानी दे रहे हैं और ये दोनों प्लांट्स ना मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें से जो स्नेक प्लांट है ना ये वाला जो आप देख रहे हो ये मैं ले जाऊँगी बीच में, मम्मी को मैंने बोला हुआ है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और शायद मुझे याद नहीं है, वैसे तो हमारे यहाँ ऐसा कोई पौधा नहीं है जो ना हो, लेकिन मुझे शायद ऐसा ध्यान है कि हमारे घर में स्नेक प्लांट नहीं है, तो मैं एक दिन मम्मी से ये स्नेक प्लांट भी लेके जाऊंगी। और यहाँ पर अभी मैं किचन में आई हूँ तो आशी और तिया ने ना लीची और केला वगैरह खाया था तो उसके छिलके वहीं रख दिए थे, वो डस्टबिन में रखे, और बाकी जितने भी दिन के बर्तन हैं वो सारे मैंने लगा दिए हैं, किचन थोड़ा सा ठीक कर दिया है, यहाँ पर जो चाय के बर्तन हैं उनको वॉश कर रही हूँ मैं, और एक प्रेशर कुकर है, ये दिन में ना इसमें चावल काफ़ी चिपक गए थे तो धुल नहीं पाया था तो इसको मैं धो दूंगी। तो यहाँ पे मैंने जो करेले हैं ना वो धो दिए हैं, और उस टाइम शायद आपको दिखे नहीं होंगे क्योंकि धूप यहाँ बहुत तेज हो रही थी, अभी ये है करेले, और ये करेले बिल्कुल लाइट ग्रीन बोलते हैं ना पैरेट ग्रीन, बिल्कुल लाइट वाला वैसे वाले हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, तो मैंने इसको धो दिया है और मैंने काट रही हूँ क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि यही बनाएंगे क्या बनाएंगे, लेकिन मैं काट के रख रही हूँ, अगर मम्मी बोलेगी यही बनाना है तो तुरंत फिर प्याज वगैरह काट के करेले की सब्जी बना देंगे, बाकी अभी देखते क्या बनाना है, वैसे शायद यही बनाना है, तभी मम्मी ने इसे बाहर निकाल दिया था ना, तो बस इसको काटते हैं। और गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा इधर है, गर्म तो बहुत गर्म लग रहा है आज, पहले दिन ना, चलिए थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, यहाँ पे अभी शाम की धूप गई है ना इस वजह से थोड़ा गर्म है, तो इसको काटते हैं चलिए। और आशी और फिर ना बोर हो रहे हैं यहाँ पे, दोनों बोर हो रहे हैं, अब फोन नहीं है ना इसलिए, हाँ मैं भी बोर हो रही हूँ भाई क्योंकि मैं ज़्यादा मोबाइल नहीं देख रही हूँ यहाँ पे, लाइट तो मैं ज़्यादा मोबाइल नहीं देख रही हूँ यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वाईफाई नहीं है, दोस्तों तो समझ से चलाना पड़ रहा है फ़ोन क्योंकि इंटरनेट भी इतना नहीं होता है कि पूरा इतना देख लो फिर वीडियो भी अपलोड करो, इसलिए तो थोड़ा थोड़ा मोबाइल देख रही हूँ, थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, ब्लॉग बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने करेले कट कर रही हूँ, और ये करेले इतने अच्छे हो रहे थे ना, और खाने में भी सच्ची बताऊँ करेले वैसे कड़वे ही होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि करेले अच्छे ही हैं,
तो कड़वे नहीं होंगे, करेले हमेशा कड़वे ही रहते हैं। लेकिन ये वाला करेला ना मेरे को ना इतना कड़वा नहीं लगा जितना कि और करेले होते हैं। बहुत टेस्टी लग रहा था क्योंकि घर का था ना बिल्कुल, तो इस वजह से। और यहाँ पर तिया लड्डू लेकर आई थी तो थोड़ा सा मैंने खा लिया था, बाकी ये दोनों खा रहे थे। और आज फिर हमने ना करेले की सब्जी ही बनाई थी, तो मम्मी आ गई थी तो मम्मी बोली हाँ ये करेले की सब्जी ही बनाएंगे, तो दाल दिन की बची हुई थी तो बस करेले बनाए थे और रायता बनाया था मम्मी ने, यही हम लोगों ने डिनर में करा था। और इसके बाद फिर ब्लॉग नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि फिर अपने कामों में लगे थे और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं होता है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। ऊपर से मेरी आँख ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, दर्द है उसमें, तो ध्यान बार बार ना वहीं जा रहा था। लेकिन जितना मेरे से हो पा रहा है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ब्लॉगिंग। तो अभी हो चुका है नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है ये। और यहाँ पे ना आज पापा जो है जितने भी पंखे हैं वो सारे ही पापा क्लीन कर रहे हैं, और उसके बाद मम्मी और मैंने अपने काम करे। लेकिन पापा सुबह से ही पंखे वगैरह क्लीन करना, बाहर का पंखा क्लीन करना कर रहे हैं पापा भी, क्योंकि पापा अभी शॉप नहीं जा रहे हैं, घर पर ही हैं, तो पापा बहुत से काम है जो ऐसे कर देते हैं। और यहाँ पे ना मम्मी के जो सदाबहार वाले फूल हैं ना काफ़ी अच्छे खिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे। तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ, मम्मी जो है पूजा की तैयारी कर रही हैं। यहाँ पर मम्मी जो है फूल ले रही हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए, और मम्मी के यहाँ ना गुड़हल का फूल काफ़ी अच्छा आ रहा है, और एक ना पिंक कलर का गुड़हल है वो भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी भी टहनी मैं ले जाऊँगी। तो मेरी मम्मी को ना मतलब प्लांट्स वगैरह लगाने का बहुत शौक है, लेकिन घर पर इतनी जगह नहीं है कि वो इससे ज़्यादा प्लांट्स वगैरह लगा पाएँ, लेकिन जितना उनसे हो पाता है उतना मम्मी लगा देती हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे मैं आपको अभी आगे ब्लॉग में दिखाऊँगी। और यहाँ पर मम्मी बोलती क्या बोल रही है, तो मम्मी का मैं बोलती मम्मी सबको हाय कर दो आप, तो मम्मी ने फूल तोड़ लिए हैं, तुलसा जी तोड़ेंगी क्योंकि चढ़ाना होता है इसलिए। और पापा एक साइड अपना पूरा क्लीनिंग में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है, शादी वाला दिन आने ही वाला है, तो इस वजह से जो डीप क्लीनिंग है या आप सफाइयाँ बोल सकते हो बहुत ही ज़ोरों शोरों से चलना स्टार्ट हो गई है। क्योंकि हमें लगता है कि दिन अभी है 15 दिन है 20 दिन है, लेकिन वो कब निकल जाते हैं ना पता नहीं चलता है। तो पापा ने अपने जो अपना काम था पापा ने सारा निपटा दिया है, यहाँ पर मम्मी और मैं अब अपने काम में लग गए हैं। मैं अभी नहा ही नहीं हूँ क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो मैं बाद में ही नहाऊँगी। यहाँ पर मम्मी ने जो पर्दे हैं ना ये वाले हटा दिए थे, तो इसका जो पाइप होता है ना ये मैंने क्लीन कर दिया था, मम्मी जितने भी जाले हैं वो मम्मी झाड़ रही हैं। इसके बाद फिर मम्मी ने पोचा भी लगा दिया था, और पर्दे मम्मी बोल रही मैं धोऊंगी, एक ही दिन धोऊंगी, लेकिन लगाऊंगी उनको बाद में जब शादी वाला दिन आने वाला होगा, तो उससे 2-4 दिन पहले ही लगाऊंगी ताकि साफ दिखें। और यहाँ पर मम्मी जो हमारा ये लाइटिंग है ना इसको साफ कर रही थी जाले वगैरह, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था, ऊपर से मम्मी पहुँच नहीं पा रही थी। तो मैं फिर जो डाइनिंग टेबल है हमने खिसकाया, पापा तो बोल थे मैं इसको साफ कर देता हूँ, लेकिन मैंने पापा को बोला आपने बहुत कर दिया है तो अभी मैं कर देती हूँ इसको। तो डाइनिंग टेबल खिसकाया, उस पर स्टूल रखा, और फिर मैंने इसकी क्लीनिंग स्टार्ट करी। यहाँ पे मैं ना लाइटिंग जो है साफ कर रही थी, और मम्मी कह रही थी कि मुझे ना इसे निकालने का होता है कि मैं निकाल के इसको वॉश कर दूँ, लेकिन निकलता ही नहीं है। फिर वाइट वॉश तक करवाई थी, उनसे भी बोला था कि इसको निकालना है, बट उन्होंने कहा आंटी ये हम नहीं निकाल सकते हैं। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी ये निकलते हैं, ये तभी तो बाद में हम लोग लेकर आते हैं तो लगाते हैं तो ये वॉश हो जाते हैं। तो फिर मैंने सुना इसको घुमा के देखा तो ये निकलने लग गए थे, इसके अंदर बल्ब थे, पहले उनको निकाला फिर ये लाइटिंग निकाली। और मम्मी इतना ज़्यादा खुश हो गई थी ना ये देख के, मम्मी बोलती मुझे ऐसे लग रहा है मैंने
बहुत बड़ा सफाई कर दी है कि मतलब मम्मी कहती मेरा बहुत मन था कि ये मैं लाइट निकालूं, लेकिन मेरा बस का था नहीं इसको निकालना, तो तूने निकाल दिया, ये बहुत ही अच्छा हो गया। तो इसको अच्छे से धोया, ये बहुत गंदे हो रहे थे, मम्मी कह रही देख के अच्छा लगता ही था, लेकिन अभी निकल गए तो ये इतने चमक गए थे ना बाद में, तो बस इनको वॉश कर दिया। और जो ये झूमर लटक रहा है इसको मैंने हाथ से ही कपड़े से साफ कर दिया था, तो ये बहुत बड़ा काम हो चुका था। और यहाँ पर आप देख रहे हो कैमरा बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है, क्योंकि ये सिया या फिर आशी बना रही है। और जब भी बच्चों को वीडियो बनाने के लिए देते हो ना काफ़ी बार, तो ये बहुत अच्छा बनाते हैं, काफ़ी बार होता है ना ऐसे हिलता रहता है इनका हाथ भी। खैर कोई बात नहीं, वो ब्लॉग बना देते हैं मेरे लिए, वही बहुत बड़ी बात है। तो वो कर दिया है, वो वॉश करके रख दिए हैं किचन में। और यहाँ पर जो डाइनिंग टेबल है उसकी चेयर्स हो गई, टेबल हो गई, सारा मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा से इसमें हो रही थी तो मैंने साफ़ कर दिया था। मम्मी ने भी साथ में हेल्प करती, मम्मी मतलब कुछ ना कुछ कर ही रही है, मैं भी अपना कर ही रही हूँ, तो कि एक ही काम में नहीं दोनों लग सकते हैं ना, फिर काम अधूरे रह जाएंगे। इसलिए तो जैसे मैं चेयर साफ़ कर रही हूँ तो मम्मी टेबल साफ़ कर रही हैं, या फिर जाले थोड़े बहुत और रह गए तो उनको निकाल रही है मम्मी। वेलकम बैक। तो वैसे तो मैं आपका वेरी गुड मॉर्निंग बहुत पहले कर चुकी हूँ, मेरे खुजली जैसा हो रहा है क्योंकि धूल जैसा हो रहा है। ब्रेकफास्ट कर लिया है मैंने, मैं नहा ही नहीं हूँ क्योंकि अभी सफाई करनी थी, तो मैंने कहा फिर बार बार धूल मिट्टी होगा इसलिए। और अभी पंखे वगैरह पापा ने साफ कर दिए, इधर ये झूमर मैंने साफ कर दिए, मम्मी ने वैसे जाले वगैरह साफ कर दिए हैं, और ये डाइनिंग टेबल चेयर्स वगैरह सारे अच्छे से साफ कर दिए हैं। तो मम्मी बोली हर 2-3 दिन बाद मैं करती हूँ, लेकिन यहाँ पे धूल मिट्टी ना काफ़ी है, तो अभी जो है सफाइयाँ चल रही हैं जोरों शोरों से, क्योंकि अभी वाइट वॉश मम्मी और ने शायद दिवाली पे ही करवाई थी जहाँ तक मुझे याद है, तो वाइट वॉश की तो इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सफाई ये होता है ना कि मम्मी बूढ़ी अकेले अकेले मन नहीं होता है और करा भी नहीं जाता है, तो इसलिए अभी बस सफाइयों में हम लगे हैं। अभी एक दिन मम्मी बूढ़ी किचन भी थोड़ा साफ करेंगे, और ये वाला रूम अभी हम लोग क्लीन कर रहे हैं, तो क्योंकि थोड़ा ये होता है कि चलो मेहमानों ने आना है तो थोड़ा सा साफ दिखे, और ये डीप क्लीनिंग हो जाती है कि शादी वाले चलो डीप क्लीनिंग है। ये वाला पर्दा मम्मी ने निकाल दिया है, उधर वाले भी मम्मी अभी निकालेंगी, तो धीरे धीरे करके फिर वॉश कर देंगे, क्योंकि इनकी ना लेंथ काफ़ी ज़्यादा है पर्दों की, तो वॉश करने में भी बहुत दिक्कत होती है इसलिए। और मेरी आँख अभी हो रखी है वैसी, थोड़ा सा चश्मे में नहीं दिख रही है लेकिन थोड़ा सा हो रखी है थोड़ा सा, तो वही है। तो चलिए अभी ये तो हो गया है, उधर साफ करके फिर टेबल उधर कर देते हैं। यहाँ पे सारा काम हो चुका है, और एक कमरा अंदर भी मम्मी और का ना वो भी क्लीन कर दिया था, उसको मैंने शूट नहीं करा है, बस वो क्लीन कर दिया था क्योंकि बिजी हो चुके थे इस वजह से। और यहाँ पर ना मम्मी के पास बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, तो मम्मी देख रही थी, मम्मी कह रही थी अगर तेरे को कोई मैचिंग का लग रहा था तो तू ले जा ले, और मम्मी अपनी साड़ी के लिए भी देख रही थी, तो मम्मी को अपनी साड़ी के लिए एक मिल गया था। और मेरे को सच्ची बताऊँ मेरे को नहीं पता था कि सिया ना यहाँ पे व्लॉग वगैरह बना रही है, उसने ट्राइपॉड लगा रखा था और मैं उसको डांट रही थी, बेटा ये भी कोई दिखाने की चीज़ है इसको हटा दो, लेकिन वो नहीं मम्मी मैं ही लगाऊंगी, मैंने कहा तो मेरे इतना मुंह के सामने लगा रही है, चेहरा भी ऐसा अजीब सा हो रहा है, तो वो बोल रही नहीं मम्मी मैं व्लॉग बनाऊंगी, तो उसका थोड़ा सा उसने बनाया था तो मैंने फिर उसको हटाया नहीं, जबकि मैं बहुत गुस्सा कर रही थी उस पर कि बेटा इसको हटा दो, वो मानी ही नहीं। और अभी हमारा लंच जो है हुआ नहीं है, मम्मी ने लंच बना दिया था, मैं नहा गई थी, और नहाने के बाद इतना रिलीफ मिल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पे इतना धूल मिट्टी लगा हुआ था, देख के ना बहुत अजीब सा हो गया था नहाए। और उसके बाद पापा यहाँ पे ना कार्ड वगैरह लिखवा रहे थे मेरे से, जो पापा को देने हैं कल, मतलब इसके नेक्स्ट डे, तो संडे को, तो पापा वहाँ जाएंगे मम्मी के साथ, तो इस वजह से पापा लिखवा रहे थे, जो जो नाम याद आ रहे थे वो लिख रहे थे, बाकी कार्ड ले जाएंगे वहीं पर लिख देंगे। और आप लोगों को मैंने पिछले ब्लॉग में कार्ड अपने भाई का दिखाया था कि भाई की शादी का कार्ड आ गया, आप लोगों ने बहुत सारा उन्हें उसमें प्यार दिया है, उसको ब्लेसिंग दी है, साथ में ही बधाई दी है आपने व्लॉग में ही हम सबको, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगता है आप लोग बधाइयाँ देते हो तो अच्छा लगता है, और
क्या बोलूँ मैं, बस शब्द नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। तो आपको दिल से धन्यवाद सभी को। तो बस यहाँ पे कार्ड लिख रही हूँ मैं, और उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया, जो बनाया है वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि व्लॉग ना एडिट करने मेरे को काफ़ी टाइम लग रहा है, आजकल टाइम नहीं लग रहा है ना, इसलिए। तो मिलूंगी आप सबसे नए व्लॉग के साथ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।